आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चना मसाला। इसे बनाने के लिए हमें लगेगा 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर, चाट मसाला, थोड़ी सी क्रश की हुई कसूरी मेथी, 2 तेज पत्ते, अक्खा धनिया और जीरा या फिर उसका पाउडर, 1 टुकड़ा दालचीनी का, अदरक लहसुन या फिर उसका पेस्ट, 3 से 4 चम्मच तेल, 3 लौंग, 1 बड़ा कटा हुआ प्याज, 2 छोटे कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा धनिया, नमक स्वादानुसार और 1 चम्मच बेसन। चने को 6 घंटे भिगोना है और फिर कुकर में 5 सीटियां आने तक पकाना है। सबसे पहले हमें तेल गर्म करना है, उसमें तेज पत्ता डालना है, दालचीनी डालनी है, जीरा और धनिया का पाउडर या फिर अक्खा भी आप डाल सकते हो। फिर हम इसमें लौंग डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, अब हमें ये प्याज बहुत अच्छे से पकाने हैं जब तक ये प्याज का कलर पिंकिश गोल्डन ना हो जाए। नेक्स्ट है अदरक लहसुन, आप इसको पेस्ट फॉर्म में भी डाल सकते हो या फिर अक्खा भी डाल सकते हो। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। फ्लेम लो कर अभी हम इसे लिड डालकर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च, आप कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डालें कलर के लिए। अब डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर और गरम मसाला, और आप चाहिए तो इसमें काजू डाल सकते हैं, थिकनेस के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। थोड़ा ड्राई मैंगो पाउडर भी डाला है हमने, और वो जो काजू के बारे में मैंने बताया आप स्किप भी कर सकते हैं, आप इसमें बेसन डालने ही वाले हैं तो थिकनेस का कोई इशू नहीं आएगा। अब हमें अच्छे से ये बेसन को रोस्ट कर लेना है ताकि उसमें जो रॉनेस होता है वो चला जाएगा। वो होटल्स में यही यूज़ करते हैं वो ग्रेवी को थिक करने के लिए। काजू डालना मैं भूल गई थी तो अभी मैं इसे डालकर ब्लेंड करूँगी, और हमें इसे थोड़ा सा पानी डालकर गर्म करना है। फिर ग्रेवी बहुत थिक होना स्टार्ट हो जाती है और बॉईल जब आता है इसमें तब हम इसमें हमारे चने डालेंगे जो मैंने पकाए हुए हैं, और इसको अच्छे से हमें नमक डालकर, कसूरी मेथी डालकर, लिड रखकर थोड़ा पकाना होगा 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। मैंने अभी चाट मसाला भी डाला है, थोड़ा सा चटपटा स्वाद मुझे पसंद है इसलिए। हमारा चना मसाला बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छे से बॉईल भी आ रहा है। अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अभी आप देख सकते हो कि इसका कलर थोड़ा हल्का है क्योंकि मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं डाली है, आप डालोगे तो उसको वाइब्रेंट कलर आएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।